नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल। शाहजहांपुर जिले में एक बहुत ही चौंका देने वाला मामला सामने आया जो भगवान का रूप मानकर पूजे जाने वाले गुरुजनों को कलंकित कर रहा है। ये जिले का दूसरा मामला है। इससे पहले भी एक जिले के बड़े शिक्षण संस्थान के प्रबंधक का मामला सामने आ चुका है। ये दूसरी घटना है जब एक शिक्षण संस्थान के प्रबंधक पति पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। दरअसल मामला थाना तिलहर क्षेत्र के गांव का है जहां एक स्कूल प्रबंधक के पति और आशाशी विद्यालय बेसिक शिक्षा महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पर दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग, अपहरण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित शिक्षिका के पिता ने पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाए हैं कि वीरेश कुमार शर्मा ने एसएस कॉलेज पेपर देने आई उसकी बेटी को बहला फुसला कर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया और एक वीडियो बना लिया जिसे दिखाकर वो काफी समय तक उसकी बेटी के साथ हैवानियत करता रहा और इस हैवानियत से तंग आकर उसकी बेटी ने जब घर पर पूरी जानकारी दी तो पीड़ित शिक्षिका का पिता स्कूल प्रबंधक पति वीरेश शर्मा के पास 26 जुलाई को शिकायत लेकर पहुंचा, जहाँ प्रबंधक पति ने शिक्षिका के पिता को डराया, धमकाया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। उसी रात में शिक्षिका का अपहरण कर लिया गया। बताया तो जा रहा है कि पीड़ित शिक्षिका वीरेश कुमार शर्मा के स्कूल में पढ़ाती थी और बताया ये भी जा रहा है कि दुष्कर्म का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पीड़ित के पिता ने बताया कि वीरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा बनाया गया दुष्कर्म का वीडियो उसके गाँव के तमाम लोगों के पास है। कथित तौर पर ऐसा आरोप लग रहा है, इस बात की पुष्टि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया नहीं करता है। उसने बताया कि जब उसने थाना तिलहर में प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की तो प्रबंधक पति द्वारा बनाया गया दुष्कर्म का वीडियो वायरल कर दिया गया जो उसके गांव में तमाम लोगों के पास पहुंच चुका है। पीड़ित ने बताया कि वो थाना अध्यक्ष तिलहर के पास गया लेकिन वीरेश कुमार शर्मा का राजनीतिक दबाव होने के कारण उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है, ये भी आरोप लगा रहे हैं और पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर से भी मिलकर अपनी व्यथा सुना चुका है। पीड़िता शिक्षिका के पिता ने तो यहां तक बताया कि गांव के लोगों ने वायरल हो रहे वीडियो को तिलहर थाना अध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक को भी दिखाया, इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ कह रही है वो आपको सुनवाते हैं। वो पुलिस का बयान जो है वो भी आपको सुनवाएंगे लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी विजय लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विजय का मैं रुख करूंगी। विजय, बेहद ही चौंका देने वाला मामला, समझ नहीं आ रहा कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, लेकिन जो आरोप पीड़ित शिक्षिका लगा रही है, शिक्षिका के जो पिता हैं वो लगा रहे हैं, वो वाकई सन्न कर देने वाले हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि एक स्कूल में इस तरह की घिनौनी हरकत हो रही है, वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो गाँव के लोगों ने देख लिया है। पीड़िता के जो पिता हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हमने जो पुलिस अधीक्षक है उनको वीडियो दिखाया भी है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। विजय, अनम्यूट कर लीजिए, मेरी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। विजय, आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रही हूं। विजय का मनुख करूं उससे पहले आपको एक पूरा मामला एक बार फिर से बता देती हूं। तो पीड़ित शिक्षिका के पिता ने बताया कि जिन स्कूल प्रबंधक पति वीरेश कुमार शर्मा पर दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और अपहरण के आरोप लग रहे हैं और वीरेश कुमार शर्मा का जिला में अच्छा खासा राजनीतिक दबाव है, प्रधान संगठन शिक्षा संगठन से जुड़े वीरेश कुमार शर्मा शायद ही जिले में कोई विधायक या मंत्री छूटा हो जिसका गर्मजोशी से स्वागत ना कर चुके हों या उनके घर पर जाकर जिले के मंत्री विधायक ने चाय ना पी हो, शायद यही कारण है कि राजनीति में जिले के अंदर दबदबा है। और वहीं इस मामले पर पुलिस अधीक्षक आनंद का कहना है कि मामला संज्ञान में आया, इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और कार्रवाई की जा रही है, जल्द शिक्षिका बरामद कर ली जाएगी, उसके बाद जो भी जांच के तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे सहयोगी विजय एक बार मेरे साथ जुड़ गए हैं। विजय, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी विजय, बेहद ही शर्मनाक ये पूरा मामला, हालांकि इस वीडियो का हम पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर रहे हैं,
की वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन जिस तरह के आरोप यहाँ पर शिक्षिका के पिता लगा रहे हैं वो वाकई सन्न कर देने वाले हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं कि एक टीचर के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है और एक जो स्कूल का प्रबंधक है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वरूप के चलते, रसूख के चलते और राजनीति में दबदबा होने के चलते वो इस तरह से पिता को धमका रहा है, पीड़िता को धमका रहा है, हैवानियत का शिकार बना रहा है। देखिए काजोली, बता दूं कि ये तिलहेर क्षेत्र के एक शिक्षण संस्थान है, उसके प्रबंधक पति पर ये आरोप जो है पीड़िता के पिता ने लगाया है और सिझांपुर एसएसपी को तहरीर दे करके और इन्होंने अपने प्रार्थना पत्र दे करके पूरा मामला जो है बताया था। उसके बाद में पहले तो ये तिलहेर थाने पर अपनी बात लेकर के गए थे, जिसको चलते जो प्रबंधक का पति है तो उसने इनको धमकी देते हुए और इनके फिर उसी रात को इनकी बेटी जो पीड़ित है उसका अपहरण कर लिया था। और ये आपको बता दूं कि सहजहांपुर एसएसपी से इन्होंने अपनी बात रखी थी और जिसको लेकर के आज पुलिस ने पीड़िता को जो लड़की जो बरामद की है, जो जिस तरह से उसे अपहरण किया गया था वो वहां से बरामद हो गई है। अभी एसएसपी ने इसको पूरा मामले को यानी ताजा अपडेट है कि जो लड़की बताया जा रहा था कि उसका अपहरण हो गया है वो ढूंढ लिया गया है, उस लड़की को सकुशल उसे ढूंढ लिया गया। हाँ जी, जो जो शिक्षिका जो पीड़ित थी उसको जिसका अपहरण हुआ था तो उसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। अब बात ये आती है कि मामला उन बयानों पे टिका है कि पीड़िता की अपहरण कैसे किया गया था, किन कारण क्या रहे हैं, ये तो अभी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। बिल्कुल विजय, यहाँ बड़ा संगीन लगता है। विजय यहाँ मैं आपको रोकूंगी, मैं चाहूंगी कि जो पीड़िता के पिता हैं, जो परिवार वाले हैं, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की जाए ताकि अपनी जो कहानी है, उनके साथ जो भी घटित हुआ है वो हमारे चैनल के माध्यम से वो रख सके, ताकि जिस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं उनको इंसाफ मिल सके। विजय ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो स्कूल का प्रबंधक पति है बताया जो जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लोग मेहरबान हैं, कुछ विधायकों का नाम भी है, कुछ मंत्रियों का नाम भी है। बताया जाता है कि जब भी कोई मंत्री या कोई विधायक आता है तो इनके घर रुकता है, चाय पीने की सारी व्यवस्था होती है, ये तमाम चीज़ें, मतलब रसूख बहुत बड़ा है। देखिए काजोल, मैं आपको बता दूं कि ये जो सत्ता या जो राजनीति है, राजनीति में जो ये प्रबंधक पति है वो संलिप्त है, तो कहीं ना कहीं जो बड़े रसूखदारों के संरक्षण में अब ऐसा काम किया है, उसके बावजूद भी देखिए इस तरह से घिनौनी हरकत के बावजूद भी एक परिवार को धमकाना और उसके बाद उसके घर से अपहरण कर लेना एक बड़ी बात है, क्योंकि बिना रसूखदारों के संरक्षण में, बिना राजनीतिक संरक्षण में ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा ये जो है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये साधारण व्यक्ति के उसका काम नहीं हो कर सकता। विजय, साधारण व्यक्ति इस तरह से, और जो आरोप लग रहे हैं कि वीडियो भी वायरल कर दिया गया है और पीड़िता के जो पिता हैं वो ये कह रहे हैं कि वीडियो हमने पुलिस को भी दिखाए हैं, जो प्रशासन है उनको दिखाए हैं, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर है। अगर इस तरह की हिमाकत की गई है, इस तरह की हैवानियत की गई है तो वाकई ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। बिल्कुल विजय, मैं आपके पास लौटूंगी। पीड़िता के जो पिता हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये पूरा मामला कब का है और आपने शिकायत कब दर्ज कराई पुलिस में? लाइव हो रहा है जी। हेलो जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ आ रही। सर आप मुझे बताएंगे कि जिस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई से क्या आप संतुष्ट हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो आपकी बेटी है उसे ढूंढ लिया गया है? पुलिस अब तो खैर सही बस बता रही है जो कुछ है। हेलो बताइए जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको सर? हाँ बोलिए, आवाज पहुंच रही है। हाँ सर, मैं ये आपसे पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने शिकायत कब दर्ज कराई थी और क्या जो आरोप आप लगा रहे हैं उसमें आपको इंसाफ की कहीं कोई किरण नजर आ रही है कि हाँ इंसाफ मिलेगा? हाँ इंसाफ होगा।
पुलिस कितना कॉपरेट कर रही है आपके साथ? कॉपरेट कर रही है पुलिस से। आपकी बेटी वापस आपके घर आ चुकी है ठीक ठाक बिल्कुल? हाँ ठीक है। और जो आरोप आपने लगाए हैं स्कूल प्रबंधक पति पर, आपकी क्या मांग है, क्या आप चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? वो पुलिस कार्रवाई करेगी। और ये कितने न्याय होगा वो अदालत न्याय। जी 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 सर, मैं ये भी आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि कितने महीनों से पूरा खेल चल रहा था? ये दो महीने, डेढ़ से दो महीना था हुआ। तो इससे पहले क्या कोई शिकायत आपने पुलिस में दर्ज कराई थी? जानकारी नहीं थी। और एक आप वीडियो की बात कर रहे हैं कि एक वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, आप कह रहे हैं कि आपने पुलिस में भी दिखाया वीडियो लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया? एक्शन हो गया है। चलिए तो बहुत, मतलब आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप ये कह रहे हैं? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय पीड़िता के पिता थे और पिता जो है वो ये कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इंसाफ उन्हें मिल पाएगा। लेकिन अगर वाकई ये कृत्य हुआ है एक स्कूल में एक टीचर के साथ, वाकई ये बहुत घिनौना है और कहीं ना कहीं इससे कहीं समाज में जो लोग हैं, जो अच्छे भी लोग हैं, उनकी छवि कहीं ना कहीं धूमिल होती भी नजर आती है, क्योंकि इस तरह के मामले पहले भी आ चुके हैं, आपने ये बोला विजय, और एक बार फिर से पूरा मामला सामने आ गया है। उम्मीद है कि इस तरह के मामलों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, जैसा कि अभी पीड़िता के पिता भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। विजय आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो साजापुर का एक पूरा मामला है, स्कूल प्रबंधक पति पर गंभीर आरोप टीचर ने लगाए हैं, पिता से बातचीत हो चुकी है, पिता का कहना है कि हम पूरी तरह से संतुष्ट है, उनकी बेटी जो है उसकी भी घर वापसी हो गई है, उम्मीद है कि जल्द ही दोनों को इंसाफ मिलेगा। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।